मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अभी अभी जो आपने वीडियो देखा था स्टार्टिंग में, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब टिकटॉक पे और यह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और यह एक बाहुबली फिल्म का छोटा सा क्लिप है, छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसे बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहा है। तो इस छोटे से क्लिप को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, देखने में यह बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग हुआ है और यह किसी बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर से बना है। तो आज मैं आपको यह वीडियो और क्लिप काइन मास्टर की मदद से ही फ़ोन से ही आपको बनाकर दिखाऊंगा और यह वीडियो मैं खुद बनाया था अभी। तो चलिए हम बताते हैं आपको किसको कैसे बनाना है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह का एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है और ऑल को सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे एकदम टाइम पे मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो आपको काइन मास्टर ओपन करना होगा और काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको 6:19 वाला रेशियो सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तीन शॉट यहाँ पे वीडियो लेना होगा, तीन क्लिप आपको यहाँ पे पहले वीडियो शूट करना होगा अपना आपको अपने फ़ोन से। पहले तो आपको रिवर्स घूम के आते हुए और जंप करते हुए, दूसरा अपने स्क्रीन के सामने जंप करते हुए, और थर्ड आपको स्क्रीन के सामने नीचे आते हुए फ़ोन के। और आपको यह सब फ्रंट कैमरा से शूट करना है। अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करेंगे तो आप देख भी पाएंगे कि आपका कैसा यहाँ पर वीडियो। और उसके बाद आपको टिकटॉक से एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, मतलब डाउनलोड करना है और उससे आपको मिला लेना है अपने वीडियो को लेंथ के। तो आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप जो वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड किए हैं टिकटॉक से उसको यहाँ पे लाना है और कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सट्रेट वॉइस में जाकर यहाँ से ऑडियो को निकाल ले और वीडियो को डिलीट कर दे। और आप अपने वीडियो को देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम पूरा सेम लेंथ का है। तो आपको टिकटॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने दे दिया अपने वीडियो का, तो वहाँ से आप जाकर वीडियो को डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने जितने भी क्लिप को आपने अभी किया थी रिकॉर्ड किया है उसमें से आपको फर्स्ट वाले क्लिप को जैसे ही आप रिवर्स घूमते हैं वहाँ पे आपको कैंची वाले ऑप्शन पे जा करके थर्ड वाला ऑप्शन पे जा करके कट कर देना है। और उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है कट किए हुए पार्ट पे, और उसके बाद उसको कलर फिल्टर में जाके उसके स्काई का कलर चेंज कर देना है। फिर सेकेंड पार्ट को वैसे ही करना है, कलर फिल्टर में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर भी स्काई वाला मतलब ब्लू कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और स्काई को ब्लू कर देना है। फिर थर्ड वाले ऑप्शन में भी आपको जाना है, थर्ड वाले क्लिप में, और यहाँ पे भी आपको कलर फिल्टर में जा करके आपको स्काई का कलर ब्लू कर देना है। तो यहाँ पे आपको तीनों का ऐसे ही ब्लू कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपको ऑडियो को डिलीट कर देना है, और ऑडियो को डिलीट करने के बाद आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अब इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधा वीडियो बन चुका है 50%। अब बस थोड़ा सा यहाँ पर VFX लगाना बच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। फिर उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड में, और आपको यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड ले लेना है। और उसके बाद आपको यूट्यूब पे थंडर इफेक्ट सर्च करके एक यहाँ पे आपको थंडर इफेक्ट बिजली वाला आपको यहाँ पे एक वीडियो डाउनलोड कर लेना है छोटा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया था यूट्यूब से। तो आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारा रहता है। फिर आपको यहाँ पर इसे कट कर देना है। आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को हमें डिलीट कर देना है कट करके, और यहाँ पर हमें इतना पार्ट ले लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करके आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे इक्वल कर देना है, और फिर इसको आपको एकदम पूरा फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह छोटा था, तो इसको आपको जूम करके पूरा क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह से यह फुल स्क्रीन में आपको दिखेगा। और इसके बाद आपको ऊपर में राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको क्लिक कर देना है और सेट कर लेना है। और उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना है, और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था आपको उस वीडियो को यहाँ पर लाना है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में इसको कर देना है, और आपको वीडियो को स्टार्ट करना है। और वीडियो स्टार्ट करने पे जैसे ही ऊपर में जंप करने का ऑप्शन आएगा आपको वहाँ पे कट करना होगा। तो आप देख सकते हैं पहले आवाज़ इसका हम कम कर देते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही पीछे घूमकर जंप करते हैं वहीं पर आपको क्लिक करके कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको कट कर लेना है, और उसके बाद फिर आपको वॉलपेपर पर भी क्लिक करके इसे भी आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है बचा हुआ पार्ट इसका। और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ब्लू वाले वीडियो क्लिप पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोमा की में जाके इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ पे अगर की कलर में आपका कुछ दूसरा है तो यहाँ ब्लू आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वीडियो बन चुका है। तो इसको आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मैच कर लेते हैं ताकि कोई भी पार्ट बच ना जाए यहाँ पे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसे चला करके आपको यह कैसा दिखता है, तो एकदम प्रोफेशनल दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड एडिटिंग आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है।
और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसमें ऑडियो लगाना है, तो आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम इसे एकदम इक्वल कर देते हैं, उसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर मीडियम में जा करके यहाँ पे आपको एक वीडियो डाउनलोड करना होगा टिकटॉक का, और उसके बाद कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको, और उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देना है। तो चलिए हम आपको अभी वीडियो को इक्वल करके दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जितना ऑडियो है आपके वीडियो में आपको उतना ही वीडियो का साइज रखना है और उतना ही लेंथ रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे कैसा दिख रहा है, और उसके बाद अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके कैंची वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे उसको कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना बचा हुआ पार्ट है वो सबको हम डिलीट कर देते हैं। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे कर लेना है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने अपने टिकटॉक आईडी पे इसको अपलोड कर दिया है, और वहाँ पे जाकर आप फुल देख सकते हैं, पूरा फुल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको शेयर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को बना सकते हैं, और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी और वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का ट्यूटोरियल जल्दी से यहाँ पे डाल दूंगा चैनल पे बना करके वीडियो को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।